जय हिंद, वेलकम टू एलएनटी एजुकेशन। आज हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में। तो मैं पहले से आपको बोल चुका हूं, अभी हमारा जो लेक्चर चल रहा है पॉलिटिकल लेक्चर चल रहा है, और इस पॉलिटिकल लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में हम पढ़ चुके हैं इलेक्शन कमीशन, यूनियन सर्विस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और आज हम पढ़ रहे हैं फाइनेंस कमीशन भी हम खत्म कर चुके हैं। ये चार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी खत्म चुका है, और आज हम पढ़ रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट SC, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इस हर क्लास को अंत तक देखिए ताकि आपकी समझ में पूरी लेसन आ सके। अगर कुछ दिक्कत आया तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपका आपका अंदर जो प्रॉब्लम्स होगा, जो डिफिकल्टीज होगा, हम उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में। तो मैं पहले से बोल चुका हूं, दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का लेक्चर चल रहा है, सीरीज चल रहा है, और ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 338 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इसका हिस्ट्री थोड़ा देखेंगे, ये पहले आपका जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, वो एक ही कमीशन था, और बाद में धीरे 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 उसको हम क्या किए हैं, उसको बाइफर्केट किए हैं और सेपरेट किए हैं, नेशनल कमीशन फॉर SC और नेशनल कमीशन फॉर ST। उसको हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कब क्या हुआ था। चलिए देखते हैं। ओरिजिनली आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्पेशल ऑफिसर फॉर द SC एंड ST to investigate all matters relating to constitutional safeguards of SC and ST. इसका मतलब ये है, originally article 338 में क्या हुआ था कि constitution में एक special officer को appoint किया था जो SC और ST के बारे में कोई matter है related to अपना constitutional matter या फिर कोई legal matter, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक ही ऑफिसर को अपॉइंटमेंट किया गया था जो आर्टिकल 338 की अंतर्भुक्त था। वो पहले का हमारा सिस्टम था। क्या था ना, आर्टिकल 338 में संविधान एक ही ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किए थे। क्यों किए थे ना, SC और ST के मामले में जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स है, तो उसके बारे में जानने के लिए और उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक ही ऑफिसर को अपॉइंटमेंट किया गया था, बोथ SC एंड ST के लिए। इन 1978 द गवर्नमेंट थ्रू ए रेजोल्यूशन, फिर क्या हुआ, 1978 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास किया, सेट अप ए नॉन स्टेट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन फॉर SC एंड ST। 1978 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टेट्यूटरी रेजोल्यूशन लाया और एक क्या बनाया, नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी उसको बनाया, और उसमें मल्टी मेंबर कमीशन, मतलब इट विल बिकम ए मल्टी मेंबर बॉडी फॉर द SC एंड ST। SC और ST के लिए उसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया। इन 1987 में फिर क्या हुआ, द गवर्नमेंट मॉडिफाइड द फंक्शंस ऑफ द कमीशन। वो जो कमीशन था उसका जो फंक्शन फिर बदलाव कर दिया, चेंज कर दिया, एंड रीनेम्ड इट एज द नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST। ओके, जो स्टेट्यूटरी बॉडी था उसको उसका नाम को चेंज कर दिया फिर गवर्नमेंट ने, और उसका नाम क्या रखा, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST।
अब तक दोनों अलग नहीं हुए, अब तक दोनों एक ही थे. लेटर द 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द हाई लेवल मल्टी मेंबर कमीशन फॉर द एससी एंड एसटी. फिर जब 1990 में 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो उसमें क्या हुआ ना, एक हाई लेवल मल्टी मेंबर कमीशन एससी और एसटी के लिए उनके लिए अपॉइंटमेंट किया गया. अगेन द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 bifurcated the combined national commissions for SCs and STs into two separate bodies, that is national commission for SCs, uska article raha article 338, next aaya national commission for STs jiska article hai article 338A. The separate national commission for SCs came into existence in 2004. Finally, 2004 में National Commission for SCs वो existence हुआ. तो ये था उसका history. चलिए और एक बार उसका history को हम बात करते हैं. पहले देखिए ये जो National Commission for SC अभी है, उसका article है 338 जो Constitution में mention है. Original क्या था? Article 338 में Constitution एक ही स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंटमेंट किए थे बोथ एससी एंड एसटी के लिए. क्यों किए थे ना, इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑल द मैटर्स ऑफ एससीज एंड एसटीज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड. उनका कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड उन लोग को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, बोथ एससीज एंड एसटी को इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंटमेंट किया गया था आर्टिकल 338 की तरफ से. देन क्या हुआ, 1978 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन लाया और एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश किया, उसमें मल्टी मेंबर कमीशन को भी अपॉइंटमेंट किया फॉर बोथ द एससीज एंड एसटी के लिए. इसका मतलब यह है 1978 तक भी वो दोनों एक ही बॉडी थे, वो अलग नहीं हुए थे. फिर 1987 में क्या होता है कहानी, गवर्नमेंट ने मॉडिफाई करता है उसका फंक्शन को, कमीशन का फंक्शन को मॉडिफाई करता है और उसको रिनेम करता है, उसका नेम को चेंज करता है. क्या रहता है, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटी. इधर उसको नाम मिल जाता है नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटी. तभी भी ये दोनों बॉडी एक ही होते हैं. फिर 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 में क्या होता है, तो एक हाई लेवल मल्टी मेंबर कमिटी मल्टी मेंबर कमीशन मिलता है किसको, एससीज और एसटी के लिए. ओके 1990 में तब 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, तब एक हाई लेवल मल्टी मेंबर कमिटी क्रिएट होता है फॉर एससीज एंड एसटीज के लिए. फाइनली इन 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जब 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है तो उसी टाइम क्या होता है, ये जो दो बॉडी होता है एससी और एसटी, ये दोनों बाइफर्केट होते हैं, दोनों डिवाइड हो जाते हैं. एक बनता है नेशनल कमीशन फॉर एससीज जिसका आर्टिकल होता है 338 और सेकंड होता है नेशनल कमीशन फॉर एसटीज और उसका एक आर्टिकल नया आर्टिकल जोड़ा जाता है, उसका आर्टिकल होता है आर्टिकल 338A. एससी के लिए आर्टिकल 338 और एसटी के लिए आर्टिकल 338A. यानी कि ये दोनों बॉडी डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता है. तो फाइनली नेशनल कमीशन फॉर एससी कम इनटू एग्जिस्टेंस, वो कब एग्जिस्ट करता है, 2004 में एग्जिस्ट करता है. तो ये था इसका फुल हिस्ट्री. ओके आई थिंक इसके बारे में और कुछ आपको समझना नहीं पड़ेगा. ओके नेक्स्ट चले देखते हैं उसका कंपोजिशन. मैं बोला ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, तो कंपोजिशन मींस इट इज अ फाइव मेंबर बॉडी. इसमें पांच मेंबर होते हैं जिनमें से एक होते हैं चेयरमैन, एक होते हैं वाइस चेयरमैन और थ्री अदर मेंबर्स होते हैं. ओके इट इज ए फाइव मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इसमें एक होते हैं चेयरमैन, एक होते हैं वाइस चेयरमैन और एक और तीन अदर मेंबर्स होते हैं और दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और इन सबको अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, भारत का राष्ट्रपति करते हैं. देखिए इधर एक चीज ये, तो उन लोग का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए,
वो क्वालिफिकेशन इधर मेंशन नहीं किया गया है. नेक्स्ट, देयर कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेनर ऑफ ऑफिस आर आल्सो डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट. ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होता है. उनका सर्विस कंडीशन क्या होना चाहिए और उनका टेनर, वो कितना साल तक काम करेंगे. ओके, ये इसको डिटरमाइन कौन करता है? प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करता है. ये प्रेसिडेंट के ऊपर निर्भर होता है, वो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड होता है. तो ये जो ऑफिसर्स, ओके, द मेंबर्स, द चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, दोज हु आर वर्किंग अंडर द नेशनल कमीशन फॉर एसीज, उनका सर्विस कंडीशन, उनका टेनर, सब कुछ प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, चलिए अब पढ़ते हैं उनका फंक्शन के बारे में. ये उनका चार पांच फंक्शन है. तो पहले क्या फंक्शन है? टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स फॉर एससीज. चलिए, इसका मतलब यह होता है कि एससी जो होते हैं, एससी का जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है, ओके, तो ये सब चीज कैसा चल रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करना और इसको मॉनिटर करना. टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर व्हाट ना रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड एंड लीगल सेफगार्ड ऑफ द एससीज. ओके, ये उनका पहला फंक्शन है. सेकंड क्या है? टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद रेस्पेक्ट टू डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड्स ऑफ एससीज. सेकंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसका. और सेकंड काम क्या होता है, क्या होता है वो क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट करता है और एंक्वायर करता है. क्या करता है? दी कंप्लेंट. अगर कुछ कंप्लेन आता है कोई कोई सेक्शन ऑफ एसीज का, उनका जो राइट्स होता है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट बोलो या फिर उनका लीगल राइट बोलो, अगर उसको कुछ हनन होता है और उसी टाइप का उस कंप्लेन आता है तो उसको भी वो एंक्वायरी करते हैं. ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. थर्ड में देखिए, टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइज द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एसीज. एससी के बारे में अगर जब उनके बारे में कुछ, उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ गवर्नमेंट का नया स्कीम आता है, कुछ नया प्रोग्राम आता है, उसी में भी वो ऑफिसर्स पार्टिसिपेट करते हैं और गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि एससी जो आप लोग जो प्लानिंग कमीशन के थ्रू में बोलो या फिर नीति आयोग की थ्रू से कुछ उनका डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हो या कुछ नया स्कीम ला रहे हो या फिर नया कुछ प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो उसी के बारे में तो उनका हित के लिए ये भी एडवाइस करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को. ये एक इंपॉर्टेंट काम होता है. ये आपको हो गया तीन उनका फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन. नेक्स्ट देखिए, द कमीशन प्रेजेंट्स एन एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट. तो इस कमीशन का जो नेशनल कमीशन फॉर एसी है, इस कमीशन का मेन काम क्या होता है? वो एक एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे और उस एनुअल रिपोर्ट को प्रेसिडेंट साहब को प्रेजेंट करेंगे और प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे? प्लेसेस ऑल दी सच रिपोर्ट्स बिफोर द पार्लियामेंट. और प्रेसिडेंट साहब पार्लियामेंट में जो बोथ द हाउसेस लोकसभा राज्यसभा सभा में उसको प्रेजेंट करेंगे. और कभी भी ऐसा हो सकता है प्रेसिडेंट ऑल्सो फॉरवर्ड एनी रिपोर्ट ऑफ द कमीशन टू द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, प्रेसिडेंट भी कभी कभी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है जिसे वो स्टेट गवर्नमेंट को भी उसको सेंड कर सकते हैं, वो जो स्टेट गवर्नमेंट में उसका कमीशन होगा उसको भी फॉरवर्ड कर सकते हैं. ये हो गया आपका फंक्शंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें. नेक्स्ट देखते हैं उसका पावर क्या होता है. उसका बहुत सारा पावर होता है. देखिए, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया. भारत में कोई भी पार्ट में कोई भी व्यक्ति का वो समन कर सकते हैं. ओके, देन रिक्वेस्टिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स. अगर उनको कहा गया कि एससी एसटी के मामले में कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है, प्रोडक्शन करना है, और वो भी वो कर सकते हैं, उनका पावर है. रिसीविंग एविडेंस ऑन द एफिडेविट्स. ओके, जो एफिडेविट होता है तो उनका भी एविडेंस वो भी रिसीव कर सकते हैं, उनका भी पावर है. देन issuing summons for the examination of the witness and documents. वो भी क्या कर सकते हैं? समन कर सकते हैं और एग्जामिन कर सकते हैं. ओके, कोई डॉक्यूमेंट को, कोई डॉक्यूमेंट्स को भी वो एज ए विटनेस के हिसाब से उसे समन कर सकते हैं. और एनी अदर मैटर्स व्हिच द प्रेसिडेंट मे डिटरमाइन. अगर कोई भी मैटर आया जिसको प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं और इसको भी, इस मैटर को भी कंसिडर कर सकते हैं. वो था, दीज आर द पावर्स ऑफ दी
नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट। और एक बार पावर को डिस्कशन करता हूं, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया। भारत में कोई भी हिस्से में कोई भी व्यक्ति का वो उसका अटेंडेंस को समनिंग कर सकते हैं और उसको एनफोर्स कर सकते हैं। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स। अगर कुछ रिक्वायर पड़ा कि कुछ डॉक्यूमेंट को प्रोडक्शन करने के लिए उसको डिस्कवर करने के लिए उसको भी कर सकते हैं। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट। एफिडेविट के बारे में अगर कुछ एविडेंस चाहिए उसको भी वो रिसीव कर सकते हैं। इस तरह एनी अदर मैटर्स विच द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। कोई भी मैटर जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं उसमें भी वो हिस्सा ले सकते हैं। ये है, दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर एससी। तो दोस्तों ये था आपको छोटा सा टॉपिक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब। ओके, तो ये जो लेक्चर है छोटा छोटा लेक्चर है उसको हम मतलब इसके लिए कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है एग्जाम में, सिर्फ एक दो क्वेश्चन आएगा। इसका आर्टिकल सिर्फ याद रख लो कितना है 338, और ये वाला जो है कि जब 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 में, जिसमें बाइफर्केशन हुआ था, एससी एंड एसटी दो नया नया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बने थे, और इसका आर्टिकल एससी के लिए आर्टिकल 338 और एसटी के लिए 338A। ये भी एक गुरुत्वपूर्ण आर्टिकल क्वेश्चन में आ सकता है। बस ये कंपोजिशन, ये फाइव मेंबर बॉडी होता है, इसमें एक चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं और तीन अदर मेंबर्स होते हैं, और उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। ओके, ये सारा क्वेश्चन आ सकता है। और उनका सर्विस कंडीशन और टेनर उसको कौन ये करते हैं? प्रेसिडेंट। दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेसिडेंट। ओके, और इस तरह ये फंक्शन और ये पावर्स, ये जो प्रीलिम्स के लिए इतने इंपोर्टेंट नहीं है, अगर फंक्शन और पावर मेंस में कभी कभी पूछ सकते हैं, दैट इज नॉट वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ओके, जो क्वेश्चन में डिस्कशन किया बस इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करना और हर पॉइंट को आराम से पढ़ना। अगर कुछ दिक्कत आया तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आपका कमेंट को आपका क्लियर कर सके। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। आई थिंक it will improve your knowledge and it will very very beneficial for your upcoming OPSC examinations. Thank you and goodbye. Jai Hind.